डिपार्टमेंट यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स की जानिब से एज पर एनुअल कैलेंडर एक्टिविटी के तहत आज जलास ग्राउंड पूंछ में यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, जिसमें कि फुटबॉल के डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोनल कंपटीशन यहाँ पे चल रहे हैं। तो हालांकि अंडर 17 कैटेगरी में आज यहाँ पे कंपटीशन चल रहे हैं। ये ग्राउंड के हवाले से बताता चलूं कि बिल्कुल सीमा के एन करीब है ये ग्राउंड, जो आर्मी ग्राउंड जलास इसे हम कहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मैच चल रहा है, कुनिया जोन वर्सेस नंगाली जोन के बीच मैच चल रहा है, तो नंगाली जोन की टीम काफी अच्छा खेल रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाहर जो किए हैं वो बिना किसी ना खुशगवार वाक्य के यहाँ पर एक पुरस्कून माहौल में जो है वो यहाँ पर खत्म हुए हैं। इसके लिए जो हमारी टेक्निकल कमेटी जो तशकील दी गई थी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। रही बात टूर्नामेंट की कि कोविड के कारण वो जेडियोज हजरात भी मुबारक के मुस्तैक हैं कि जिन्होंने स्कूल बंद रहते हुए भी हमारे जितने भी फिजिकल टीचर और मास्टर्स थे उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पे ट्रायल कम सिलेक्शन करवा के टीमें जो थी वो दी। ये सारा सेहरा जो है वो हमारे फील्ड स्टाफ मेम्बरान को जाता है कि इसको पता है कि स्पोर्ट्स आप सभी की फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ आपके अंदर डिसिप्लिन और मेहनत करने की जो भावना को बनाता है ये स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। और पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने गेम्स खेले हैं और आपको गेम्स खेलने के लिए मौका देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ। आजकल के समय में जब ये कोविड से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन जो आपके लिए जो यूथ के लिए जो स्पोर्ट्स की अहमियत है उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने आपके लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और बिल्कुल ही सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। और मैं आप सभी बच्चों को शाबाशी देना चाहता हूँ कि आप सभी ने यहाँ पर बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। हार जीत चलती रहती है, लेकिन दोनों टीम का गेम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे देश के स्पोर्ट्स का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। ठीक है, थैंक यू। तो जोरदार तालियां इनके लिए। अंडर 17 एज ग्रुप में कुनिया जोन रनर अप टीम रही। फोटो ले लो, फोटो चलना शुरू ले लेता हूं। पंच जोन